परसेंटेज मीन्स कि किसी भी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 100 के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, मानेंगे कि वो वैल्यू 100 के इक्वल है, और उसमें जो जितनी भी पार्ट की बात की जाएगी उसको हम क्या करेंगे, उसका एक फ्रैक्शनल वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पूरे के पूरे वैल्यू को हम 100 के इक्वल मान लेंगे। उसके बाद जितना भी पार्ट पूछा जाता है, जैसे बोला जाएगा 50% ऑफ दिस वन, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम पहले तो पूरे का 100 मान लेंगे, पूरे को 100 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो बाकी है 50% पूछ रहा है, तो उसका क्या करेंगे, उसका 1/2। जैसे अभी मैं देखता हूँ, अब एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ मैंने ले लिया 500, 500 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब ये 500 को हम इक्वल टू मान लेंगे कि ये 100 है, 500 को 100 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, एक की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब तुमसे अगर ये पूछे कि 35% ऑफ, 35% ऑफ 500 निकालिए, तो इसमें क्या करना होगा कि एक की वैल्यू हमने क्या किया है, 5 लिया है, तो 35% कितना हो जाएगा, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, विच इज़ इक्वल टू 25, और 5 3 जो 15 2 17, 175, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी 35% ऑफ 500 की, 175। तो हमको जब भी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी होती है, तो सिंपल से क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दी होगी उसको पहले 100 के इक्वल मान लेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और जब उसके बाद जितना भी परसेंटेज वो कहेगा, ठीक है, उस वैल्यू का जितना भी परसेंट वो कहेगा, उतने वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उस परसेंटेज को एक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या, इस एक की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, 5, इसीलिए हम उसे 35% पूछ रहा था, तो 35 को हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वैल्यू 175 आई। तो इसका मतलब हो गया कि 500 का जो 35% होगा वो क्या हो जाएगा, 175 के इक्वल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ एक दूसरा थोड़ा दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कह दे कि आपसे कि 400 का, एक मिनट, 400 का 120%, 120%। अब इसको हम 120% निकालना है, इसको क्या करेंगे कि पहला काम 400 को हम किसने के इक्वल मान लेंगे, 100 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो इससे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब जब एक की वैल्यू 4 हो गई, तो तुमसे पूछ रहा है कि 120 को बताइए, तो क्या करेंगे, सिंपल 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 480, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज अभी ये तो मैंने 100 100 के फॉर्म में ले लिया। सपोज मैं लेने ले लिया 75, मेरी वैल्यू है 75, इसका मैंने बोल दिया कि 65% निकालिए, 65% निकालिए। तो सिंपल सब 75 को आप 100 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। इससे एक की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7.5, ठीक है, सॉरी 0.75, ये हो जाएगी 0.75, ठीक। अब इसमें आपसे 65 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, इसको वैल्यू निकाल लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 से करेंगे, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो भी कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी आंसर। ये तो पहला तरीका हो गया कि जब ये थोड़ा सा लगेगा कैलकुलेटिव है कि इसमें डेसिमल आ गया, फिर कैलकुलेशन करना है, फिर डेसिमल लगाना, तो वो तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है कि अगर हम सपोज 75 का, ठीक है, हमसे पूछ रहा है 65% बताइए, ठीक है। तो 75 का 65% निकालना है, तो देखो पहली चीज़, 65 क्या होता है, 65 ये जो जो वैल्यू हमको निकालनी है वो अपॉन 100, 100 कर देंगे, ये टोटल वैल्यू। इस फ्रैक्शन इसको अब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में करें कन्वर्ट करेंगे कि 65 क्या है, 65% कहने का मतलब क्या कि 65 आउट ऑफ 100, ठीक
ठीक है, 65 out of 100, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है, और निकालना कितने का है 65 की वैल्यू, तो हमको क्या करना है 65 out of 100, तो ऐसे निकालेंगे। अब इसको जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से डिविजिबल है दोनों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रैक्शनल वैल्यू 13 अपॉन 20, 13 अपॉन 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को हम जब इस 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम सपोज 75 मल्टीप्लाइड बाई 13 अपॉन 20 कर देंगे, तो ये 5 से चले जाएंगे 4 टाइम में, ये चला जाएगा 15 टाइम में, ठीक है। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 13 और डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, तो इससे हमको क्या जो भी मिलेगा वो हमको क्या मिलेगी 75 की 65% वैल्यू हमको मिल जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। सपोज हमको निकालना है कि एक एग्जांपल लेता हूँ, हाँ थ्री 3516, 3516 इसकी हमको 33.33% निकालना है। इसका वैल्यू हमको क्या करना है 33.33% निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको अभी इससे निकाल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो मैंने वैल्यू कहा था कि इसको 100 की इक्वल मान लेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका जो आएगा उसको 33.33 मल्टीप्लाई, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड वो जो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। जब वैल्यू हमको जब 100 के टर्म्स में या किसी ऐसे मतलब होल नंबर के टर्म में ना हो तो या इजीली डिविजिबल ना हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि या परसेंटेज इस टाइप से पूछ ले 33.33 या फिर 27 point something पूछ ले, ऐसे कुछ पूछ ले, ठीक है, या 9.99 पूछ ले। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला चीज़ देखेंगे क्या कि अब सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू समझते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर जब भी तुमको बोलेगा कि 5%, तो 5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 upon 100 अब इज इक्वल टू 1 upon 20, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया 1 upon 20। उसी तरह तुमसे पूछ लिया 10%, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 upon 100 इज इक्वल टू 1 upon 10। तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी वे में हो जाएगा। सपोज तुमसे पूछ दिया 11.11%, 11.11% किसी का भी पूछ रहा हो, तो पहले तुमको इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगी, 11.11 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर सिंपल 1 upon 9 होती है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 upon 9, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू और हैं, जैसे तुम याद करते जाना इसको 15% मतलब क्या हो गया, तो 15 upon 100 जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी 3 upon 20। इसी तरह पूछ लिया 16%, ठीक है, 16% पूछ लिया तो क्या हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 upon 25, ठीक है। इसी तरह से इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, 16 को 16 रख रहे हैं, अपॉन 100 कर दे रहे हैं, फिर उसको से जितना जो कट पा रहा है कट दे रहे हैं, बाकी को छोड़ देना है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगी हमको। उसके बाद ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको पूछ लेगा 6.25% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो 6.25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 16 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 upon 16 होती है, ठीक है। 8% पूछ देता है कभी कभी, 8%, तो 8% की वैल्यू हमेशा 2 upon 25 होती है। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, ये याद नहीं करना है इसको, बस हमको बार बार यूज़ करेंगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो याद करने की ज़रूरत है नहीं इसको, बार बार इसको यूज़ करना है। ये जो PDF फाइल दिया है उसमें जो परसेंटेज चैप्टर दिया है ना, उसमें ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं परसेंटेज की,
चाहो तो याद कर लो, अच्छा हो तो उसको समझ करके कि कैसे वो आया है, उस वैल्यू को देख लो। जैसे इसमें इसमें तुमको कुछ वैल्यू हैं जो डायरेक्ट तुमको याद करने पड़ेंगे, जैसे 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लो, ठीक है, या 3.125% की वैल्यू जो होती है 1/32 होती है, याद कर डालो इसको, ठीक है। या फिर जो तुम्हारी वैल्यू हो गई सपोज़ 8% की वैल्यू, या 8.33% की वैल्यू, 8.33% की वैल्यू जो होती है 1/12 होती है, ये याद कर डालो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर देनी है। 12% है तो 12% का सिंपल सा है कि उसमें याद करना है नहीं, 12/100 कर देंगे तुरंत हमको 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 3/25 मिल जाएगा, तो हमको फ्रैक्शनल वैल्यू तुरंत वहीं कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ें कन्वर्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी उनको याद कर डालो। जैसे 6.25 डिफ़िकल्ट होगा कन्वर्ट करने में, 3.125 डिफ़िकल्ट होगा कन्वर्ट करने में, 8.133% डिफ़िकल्ट होगा कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब कभी कभी ये जो 8.33 है इसको ऐसे भी लिखिएगा, 8.33 को वो ऐसे भी लिखेगा 8:1/3, 8:1/3%, तो ठीक है। तो ये याद हो गया कि जो 1/3 है इसकी वैल्यू आती है 3.3, सॉरी पॉइंट बाद में लगेगा, इसकी वैल्यू आती है 1/3 की जो वैल्यू आती है वो होती है 33.33, ठीक है, 33.33, ठीक। तो जैसे ये 33.33 वैल्यू है तो ये उसी की बात कर रहा है, तो 1/3 जहाँ भी दिखे तो 0.3333 मान लो, ठीक है, 3.30.33, 33.33 हो जाएगा वैल्यू, उसकी आंसर हो जाएगी। अब इसके बाद तुमसे कुछ वैल्यूज ऐसे पूछेगा, जैसे सपोज मैंने मैंने कह दिया 67.25% ऑफ समथिंग, ठीक है। जब किसी का किसी भी वैल्यू का 67.25% कह दिया तो इतना बैठ के तो याद तो होने से रहा है, और इस बार बार प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो इसको हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 50%, देन इसको कन्वर्ट करेंगे 17.25%, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर ये 50% को छोड़ दो, अब तो हम क्या करेंगे, सपोज हमको अभी 1000 का पूछ रहा था 67.25% निकालो, तो पहले हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया, 50% + 17.25%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 का 50% कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, और क्या करा, 17.25% निकालना है। अब इसको भी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि हमारे लिए ईजी क्या होगा कि हम पहले निकाल दें 10%, इसको भी अभी और फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं 10% में, 10% + 7.25%, अभी भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इजी वे में हो जाएगा। अब इसका 10% और निकालेंगे, इसी का 10% और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझा देता हूँ इसको, सपोज 1000 का हमको निकालना था 67.25%, ठीक है, 67.25% निकालना था, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 67.25 को कन्वर्ट करेंगे 50 + 17.25, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 50 + 10 + 7.25%। अब इसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा इजी वे में हो जाए हमारे, तो 50 + 10 + 5 + 2.25%, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो फाइनली हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना उसको, कि हमको क्या होगा, अब हमको सोचना भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसी वैल्यू निकल जाएगी। पहले हम 1000 का 50% निकालें तो कितना हो जाएगा, 500, फिर 1000 का 10% निकालेंगे 100, फिर 1000 का 5% निकालेंगे, 10% 100 है तो 5% कितना हो जाएगा उसका आधा 50, फिर 2.25% निकालेंगे, 2.25% निकालने का मतलब क्या कि इसको निकालेंगे 1000 का, तो 100 / 10000, 10 तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी 67.25 की, तो 600, 650, 650, 600,
672.5%। ये तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है, अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते जो भी आ जाता वैल्यू आ जाता उसकी आंसर हो जाती। बट हम फिर भी मैंने ये लॉन्ग प्रोसीजर यूज़ किया तुमको समझाने के लिए कि ये तो जब 1000 था तब तो ईजी था निकालना, बट अगर 1000 नहीं होगा तब कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी जो भी वैल्यू होगी उन छोटे छोटे पार्ट्स की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज तुमसे पूछेगा कि एक वैल्यू और लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 750 का 40, इसका इसका निकालना है 49.99%, 49.99% निकालना है। तो सिंपल, पहले हम 49.99 को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे 40+9.99%। ठीक है, अरे यार ये तो और दिमाग ख़राब कर दिया। 40+9.99, अब वैल्यू कितनी थी हमारी, हमारी वैल्यू थी, मैं तो भूल ही गया वैल्यू, 40.40+99 जो भी रहा हो वैल्यू। ठीक है, 40 पॉइंट, इसको अब इसको क्या करेंगे, 40 को हम क्या करेंगे, 40 को 4 × 10⁻¹ लिख सकते हैं। अब 4 × 10 मतलब क्या, आप किसी उस वैल्यू की 10% निकाल लें। सपोज मैंने 400 लिया था, 400 लिया था तो 400 का, या 450 लिया था, सपोज 450 लिया था, इसका 10% निकाल लेंगे हम, 450 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 10% जैसे हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा 10%, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम 450 का 10% निकालेंगे, 450 का 10% निकालेंगे मतलब क्या, 10/100, 10/100। ठीक है, तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो काट देंगे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट देंगे, तो बच गया 45। तो 45 हो गया, इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतने की वैल्यू आ जाएगी, 4 × 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हमारा ये इसका वैल्यू हो गया, अब हमको 9.99% निकालना है, किसका, 450 का 9.99% निकालना है। तो 450 का 9.99% निकालना है, तो मैंने अभी बताया कि जो 9.99% होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि 1/11 होता है, 1/11 होता है। ठीक है, 1/11 होता है कि जब भी हम 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से या 9 से, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो फ्रैक्शनल होती है, याद कर लेना है कि 9.99% की वैल्यू जो होती है हमेशा 1/11 होती है। ठीक है, तो हम इसका 450 का 1/11 निकालेंगे, 450 का फिर से 9.99% निकालना है अगर 450 का, तो क्या करेंगे, इसको हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमको याद हो जानी चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 1/11, 1/11। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 450 कर देंगे, इसके बाद हम जो भी डिविजिबल होगा डिवाइड कर देंगे। सपोज 4 टाइम में जाएगा तो 11 हो गया। ठीक है, 11 × 4 = 44, 1 बचा तो जाएगा नहीं, फिर आ जाएगा 4.99, ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी इसकी, 4.99 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो पहले हमने वैल्यू निकाली थी 4 × 45 + 4.99, जो भी आएगा वो 450 का 49.99% हो जाएगा। क्लियर, अगर ये फंस जाए ना समझ में आए तो बता देना, इसको फिर से समझा दूँगा मैं। एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे बुक से, उसी पीडीएफ फाइल में देख लेना उसको। ठीक है, उस स्टार्टिंग के उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उसमें दिए हैं वो सब तुमको सॉल्व करने वाली चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण 5 में कह रहा है, उदाहरण 5 उसमें देख लेना, उदाहरण 5 जो भी होगा, उदाहरण 5 में पीडीएफ में देखना, उदाहरण 5 जो भी होगा उसमें कह रहा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 6 60 हज़ार से बढ़कर, पहले कितनी थी, 60 हज़ार थी,
अब वो कह रहा है बढ़कर 65,000 हो गई, 65,000 हो गई, तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चेंजेस वाले, वैल्यू चेंज हो जाए, तो पहले क्या करते हैं, जो भी बड़ी वैल्यू होगी, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से माइनस करेंगे छोटी वाली वैल्यू को, ठीक है, और अपॉन कर देते हैं जो पहली वैल्यू थी। पहली वैल्यू क्या थी, 60,000। पहली वैल्यू क्या थी, 60,000। याद रखना है कि हम ऊपर वाले फ्रैक्शन में, ऊपर वाले में मतलब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमेशा हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, चाहे वो घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, डजेंट मैटर। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि नीचे वैल्यू जो लेनी होगी, बेस वैल्यू जो लेनी होगी, मतलब डिनोमिनेटर लेना होगा, वो हमेशा हम पहले वाली वैल्यू को लेते हैं, मतलब पहले जितनी थी। जैसे मैंने एग्जांपल में वहाँ दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 थी, अब बढ़ करके 65,000 हो गई, तो पहले जो वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी, उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं। तो 60,000 पहली वैल्यू थी इसकी, ठीक, और बाकी ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब हमको अगर ये, ठीक है, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, है क्लियर है, लेकिन याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कि कब पॉजिटिव आ रहा है, कब वृद्धि हो रही है, कब लाभ हो रही है, कब हानि हो रही है, कब वृद्धि हो रही है, कुछ घाटा हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे। तो 65,000 माइनस 60,000 अपॉन 60,000 करेंगे, तो 5,000, 5,000 अपॉन 60,000। अब तुमसे परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 60,000 है तो 30 से 30 कट जाएंगे, वो 5/60 बचेगा। 5/60 का मतलब, 5/60 का मतलब क्या हो गया कि 1/12। और 1/12 क्या होता है, मैंने अभी बताया था, पर फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर डालेंगे उसको, ठीक है। तो 1/12 जो होगा तुम्हारा, वो 8.33% इसकी वैल्यू होती है। तो मतलब क्या हो गया है, जो जनसंख्या थी उसकी में कितने की वृद्धि हो गई, 8.33% की वृद्धि हुई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू में भी लिख सकते हैं, नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8:1/33%, ऐसे भी फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएगी तो फ्रैक्शनल वैल्यू करेंगे, डेसिमल वैल्यू में आएगी तो डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/3 का मैंने वैल्यू पहले बताया था, 33.33 होता है, तो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि एक और एग्जांपल, उदाहरण नंबर 6 जो उसमें दिया है उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि राम का वेतन 630 से बढ़कर 700 कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले 600, पहले इनिशियली कितना था, 630, बाद में कितना हो गया, 700, ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको परसेंटेज चेंजेस निकालने हैं कि परसेंटेज में कितनी वैल्यू उसकी बढ़ी। तो 700 -630 डिवाइडेड बाई पहले कितनी वैल्यू थी, पहले सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 630। तो मैंने पहले ही बताया कि डिनोमेटर में क्या करेंगे, हमेशा बेस वैल्यू को लेते हैं, जिस वैल्यू इनिशियल वैल्यू को लेते हैं जिससे वो स्टार्ट हुआ था, तो 630 था उसका, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 700 -630, 70/600 सॉरी 30, 0 से 0 कट गया, 7 से 9 हो गया 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/9। अब इसको बोल रहा है परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, और 1/9 की वैल्यू मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होती है, 11.11%, 11.11%। देखो जब 11.11% दिए पूछेगा, जब 11.11 पूछेगा, ठीक है, तब हमारी हमारी वैल्यू 9 में आएगी, और जब 9 दिया होगा तो वैल्यू 11.11, रिवर्सल होते हैं इन दोनों के। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उदाहरण 7 है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% मत मिलता है तथा वह दूसरे उम्मीदवार से 2,442 मतों से चुनाव हार जाता है, बताइए कुल मतों की संख्या क्या है। उदाहरण नंबर 7 देख लेना अपनी पीडीएफ फाइल में, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि तुमको कह रहा है कि उम्मीदवार, एक उम्मीदवार है जिसे 41% मिला, 41% मिला, ठीक है, तथा वह दूसरे उम्मीदवार से 2,412 वोटों से जीत गया, 2,412 वोट से जीत गया, ठीक है। तो 41% पाया टोटल, ठीक है, 41% पाया टोटल वो, लेकिन क्या कह रहा है कि जो 41% जो पाया वो दूसरे
जितने भी दूसरे जो दूसरा उम्मीदवार था उससे 2412 वोट अधिक जो है उसे मिल गया, ठीक है, नहीं सॉरी हार जाता है उसमें, हार गया 2412 वोट से, हार गया 2412 वोट से, हार गया, टोटल वोट मिला, ठीक है, टोटल वोट में उसको 41% मिला, और दूसरा जो उम्मीदवार था उसका जो ओपोनेंट था उस दूसरे ओपोनेंट से वो 2412 वोटों से हारा, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो देखो कुल मत क्या हो सकते हैं, 100% हमेशा कंसीडर करेंगे, कुल मत क्या होंगे 100%, ठीक है। अब तुमको 41% की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो जब ये जो पहला वाला इंसान 41% पाया था, दूसरा वाला क्या पाया होगा, 100 माइनस 100 माइनस 41 इज इक्वल 100 माइनस 41 इज इक्वल टू 59%, ये पहले वाली की वैल्यू थी, ठीक है। दूसरे वाली की वैल्यू हो गई, पहला वाला 41% पाया है, दूसरा वाला 59% पाया है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कितने परसेंट का, 18% का, कितने का डिफरेंस हो गया 18% का, ठीक। अब ये 18% हुआ एक्चुअल में, अभी क्या मैंने बताया कितने वैल्यू से हार गया था, तो इस 18% की वैल्यू ही क्या है 2412 की वैल्यू की इक्वल थी, क्योंकि दोनों के डिफरेंसेस के बीच जितना रहेगा उतनी से तो हारा होगा, तो उतनी की वैल्यू 2412 आएगी, इसी परसेंटेज की वैल्यू इतनी है। तो हम इससे क्या करेंगे, अब पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए, ठीक है, जितने होते 100% की संख्या बताइए, 100% पूछ रहे हैं हमसे, 18% की वैल्यू पता चल गई तो ईजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2412 डिवाइडेड बाई 18 गुणे 100 कर देंगे तो हमें 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो भी जितने की भी सपोज उनको कह रहे 18% ऑफ 2412 दिया है, तुमसे पूछे 100% की वैल्यू बताइए, 18% क्या है 2412 की इक्वल है, किसी वैल्यू की 18% 2412 की इक्वल है, तो पूछे 100% बताइए, तो जितनी भी परसेंटेज होती है, जितनी भी जो भी वैल्यू होती है उसको उस परसेंटेज जितने परसेंटेज की वो वैल्यू है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड ही हो जाता है, डिनाई, तो 2412 जो है ये 18% की वैल्यू है, तो तुमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो क्या करेंगे 2412 को 18 से ही हम डिवाइड कर देंगे, और 100 की वैल्यू पूछ रहा था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 18 कम 18 6, और ये वैल्यू हो जाएगी 34, ठीक है, 134 टाइम्स में कट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे और 13400 ये उसका आंसर हो जाएगा, मतलब कुल जाकर के मिला करके कितने वोट पड़े थे उसमें 13400। फिर से एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब भी तुमको देखो ये जो वैल्यू अभी मिल गया मुझे, कि इसमें जो भी वैल्यू तुमको निकालना होगा उसको क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सपोज 18% ऑफ तुमसे ये कोई और वैल्यू लेते हैं, तुमसे पूछ दिया कि इलेवन पॉइंट वन वन परसेंट इज इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हारे कि 600 सॉरी ये 70 की कॉल है, 11.11% कितने की कॉल है 70 की कॉल है, तुमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू इसकी 100% वैल्यू बताइए, मतलब अगर 11.11% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू बताइए, तो 11.11 को क्या करेंगे हम फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि इक्वल टू कितने बताया था 1/9, ठीक है, तो 70 और 11.11 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, और 70 और 11.11 की वैल्यू मैंने क्या बताया 70 डिवाइडेड बाई 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 100, अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 मल्टीप्लाइड बाई 9, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 630, और अभी 100 बाकी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो उसका आंसर नहीं नहीं ये 100 ख़त्म हो गया, ये 100 ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी फिर से देखते हैं इसको एक बार फिर से देखते हैं, मैंने गलती कर दी। देखो तुमको 11.11% दिया होगा, कितने की कॉल दे रखा है 70 के पर दे रखा है, तुमसे बोले कि इसका 100% बताइए,
ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पर 100 अपॉन ये जो परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, दूसरा ये ऐसे छोड़ देते हैं इसको, रुको फिर से एक चीज़ क्लियर कर दे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर से लेते हैं। देखो इसको उसी तरह से लेते हैं जैसे मैं पहले बताया था, 70 अपॉन 11.11 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। अब इतने की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हमने क्या किया, 100 अपॉन 11.11 कर लिया, 100 अपॉन 11.11 इतने की वैल्यू हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो जाएगी 9 के इक्वल। कैसे आया इसको समझने के लिए, इसे समझते हैं, क्या होता है कि 9 अपॉन 100, 9 अपॉन 100 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट, 11.11 अपॉन 100 इसको लेंगे, तो ये हमेशा हम 11 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 11 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 9, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 9 हो जाएगी डिवाइड करने के बाद। इसकी इतनी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 11.11% क्या होता है, 11.11% 100 का 1 अपॉन 9 फ्रैक्शन होता है, ये याद करने को मैंने कहा भी था कि इसको याद कर लेना है। तो जब इतने की वैल्यू 1 अपॉन 9 है, तो इसको जब रिवर्स कर देंगे, 100 अपॉन 11.11 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो वही वैल्यू मैंने यूज़ करी थी, तो क्या कह दिया कि 11.11% दे रखा है 70 के इक्वल, तुमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे, 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 11.11 विच इज़ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया 1.9 था, 1.9 आया था, 11.11 अपॉन 100 की वैल्यू 1.9 आई थी, तो उसका जैसे उल्टा कर दिया था, 100 अपॉन 11.11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, जो कि आंसर हो जाएगा 630। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो शायद जल्दी क्लियर हो जाए, मैं पहले वाले में कन्फ्यूज़ कर दिया बहुत ज़्यादा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ तुमको दे रखा है 8:1/3% की वैल्यू दे रखी है 5000, इसकी वैल्यू 5000 दे रखी है। अब तुमसे बोल दे 100% की वैल्यू बताइए, 100% की वैल्यू, तो कुछ करेंगे नहीं इसमें, 5000 कुछ करेंगे नहीं, मतलब क्या कुछ डिफिकल्टी नहीं लाएंगे इसमें, 8:1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक जो सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में बदल देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में बदल देते हैं, 5000 डिवाइडेड बाई 8 इज 24, 25 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 100 मल्टीप्लाइड बाई रहेगा ही। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर क्या हो गया, 15000 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 से 100 कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 60 60, तो हमारा 60000 उसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं कि सपोज मैंने ले लिया, T33 1/3% इज इक्वल टू दे रखा है 3, मैंने इसकी वैल्यू ले ली 1100
72 की कुल 33.33.33 या 33:1.3% की वैल्यू दे रखी है। 1172 तुमसे पूछ रहा है, 100% की वैल्यू बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम सेम फंदा, 33.33 तो ये जाएगा 1172 डिवाइडेड बाई, अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1/100/3। ठीक, तो 1/100 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा आंसर। तो 3 2 6, 6 7 3 21, 2 3 1 3 2 5, 3 1 3, तो 3516, ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने में क्या जाता है, अगर तुमको 12:1.1/2% की वैल्यू दे रखी है, 6 2 6 6, इतने इतने की इक्वल दे रखी है। तो ये सारे एग्जांपल मैं उसी पीडीएफ फाइल से ही देख रहा हूँ जो तुम्हारे पीडीएफ फाइल में है, मैं उसे अपनी बुक से देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में से क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12:1.2, इसके आप तुमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू बताओ। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, तो 25/2 हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन वाली चीज़ें तो आती होंगी तुमको, तो 25/2 कर देंगे, तो 6 2 6 6 डिवाइडेड बाई वही इसको रख देंगे यहाँ पर 25, अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 25 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो 6 2 6 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50128। ठीक, तो ये इसके आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, अब एक और एग्जांपल, एक और टाइप लेते हैं, जो थोड़ा सा परसेंटेज में तुमसे वैल्यू दे देगा, कहेगा कि इसकी मतलब बताइए लाभ हुआ या हानि। ठीक, तो सपोज़ या हानि हुई तो कितने की हुई, लाभ हुआ तो कितने का हुआ। तो सपोज़ मैंने अभी 1000 की वैल्यू में लेता हूँ, 1000 की वैल्यू में किसी एक सामान का जो रेट था, वैल्यू थी, प्राइस था, वो 1000 रुपये में, किसी कोई पर्सन ए है, उसने कोई सामान 1000 में ख़रीदा और उसने इसे 990 रुपये में बेच दिया, 990 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए इसे लाभ हुआ या हानि, और इसकी परसेंटेज वैल्यू निकली, अगर हानि हुई तो कितने परसेंट की, लाभ हुआ तो कितने परसेंट का। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले बताया था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और जो बेस वैल्यू है उसी को रखेंगे, जो इनिशियल वैल्यू है। तो सिंपल, तो 1000 - 990 / क्या कर देंगे, 1000, क्योंकि ये हमारा इनिशियल वैल्यू था, ख़रीदा कितने था 1000 में, तो वही हमारी इनिशियल वैल्यू है, और घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 10/1000। ठीक है, 10/1000, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तुमसे पूछ रहा है परसेंटेज भी बताइए, इसकी परसेंटेज में कितने का घटा हुआ, तो 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो टोटल मिला के क्या बच गया, 1, तो टोटल कुल मिला के उसको कितने परसेंट का घाटा हो गया, 1% का घाटा हुआ। अब घाटा हो गया कैसे पता चला, क्योंकि क्या है, 1000 में ख़रीदा था, 990 में बेचा था, तो इतना कॉमन तो है ही कि घाटा ही होगा, उसे कम में बेचेगा तो घाटा ही होगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ें समझ जाएंगी क्वेश्चन से। अब जैसे कुछ, अब इसी का दूसरा जो टाइप होता है, तुमसे ये पूछ लेगा कि किसी ने 1000 रुपये में एक सामान ख़रीदा और उसे 12.5%
के बेनिफिट में, इस एरो का मतलब बेनिफिट, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बनाता हूँ, बेनिफिट के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, तो 12.5% का उसको बेनिफिट पे ले करके बेच देता है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बताइए, तो सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, उसने ख़रीदा कितना था 1000 में, अब वो बेच किसने रहा है 12.5% में, तो पूछ रहा है तुमसे सेलिंग प्राइस बताइए 12.5% प्लस में, ठीक है, मतलब वो इतने से 12.5% का ज़्यादा का फ़ायदा लेकर के उसको बेच देता है, तो उस तुमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी पहले तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो प्लस क्या करते हैं 1000, जो कॉस्ट प्राइस है उतने का जितने का उसका ये परसेंटेज वैल्यू में, जितने परसेंटेज वैल्यू में ज़्यादा में बेचा था वो, तो क्या जाएगा 12.5% इसका निकाल लेंगे, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 प्लस 1000 का, ठीक है, ये मेरा ज़ीरो अजीब सा बन रहा है, 12.5% निकालेंगे, तो जो ये 1000 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या करेंगे 1000 का 12.5%, मतलब 12.5% का मैंने क्या बताया था, जब जब ना समझ में आया कि कैसे फ्रैक्शन वाले रूम कन्वर्ट होगा, तो इसको ब्रेक कर देना, इसको 10 प्लस 2.5 में परसेंट में कर देना, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 का 10% क्या हो जाएगा 100, और बच गया 2.5%, तो 2.5% क्या हो जाएगी कि अब ये 10% की वैल्यू वो 100 थी, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और 50 का आधा करेंगे मतलब 2.5% हो जाएगा, मतलब 5 का आधा करेंगे 2.5%, तो 50 का आधा मतलब 25, तो कितना हो गया 1000 प्लस 100 प्लस, तो टोटल हो जाएगी 1125 रुपये में उसने उस सामान को बेच दिया। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर सपोज़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल में ले लिया कि एक सामान है उसका कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है, ठीक 1600 रुपये है, और इसको 30% के लॉस पे बेच दिया जाता है, 30% के लॉस पे बेच दिया जाता है, तो बताइए कि वो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो हमारा सिंपल सा कि सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करना है, जब लॉस होगा तो माइनस करते हैं और जब प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं, तो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस का 30%, ठीक है 30%, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी तुम्हारा कितना का था 1600 रुपये का था, माइनस 1600 का 30% पूछ रहा था, 30/100 कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1600 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का आंसर आ जाएगा 480, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, और 15 माइनस 4 11, तो 1120 रुपीज़ में वो सामान बेचा गया रहा होगा, ठीक। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये था कि जब हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज, अगर दिया होगा कितने परसेंट पे बेचा गया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया, कितने परसेंट लॉस पे बेचा गया, ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से किसी दी गई वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू निकालना, ठीक है, या किसी या फिर तुम्हारा ये सारी चीज़ें जो भी, या किसी वैल्यू के चेंज होने पे, जी मतलब इनिशियली कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, तो उसमें परसेंटेज का कितना परसेंटेज चेंज कैसे आया, कितने परसेंट का चेंज आया, तो ये पूछ लेगा। तो ये मैंने अभी यहाँ तक का कुछ बता दिया, बाकी तुम उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 जितने भी उदाहरण हैं उसको देखना। अभी एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, जो उदाहरण नंबर तुम्हारा 8 है, ठीक है, उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है कि 8 लीटर चीनी है, ठीक है, 8 लीटर चीनी है,
अब उसमें कह रहा है कि उसमें 5% चीनी, 8 लीटर चीनी के घोल है, चीनी का घोल है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है चीनी, ठीक। अब उसमें क्या कह रहा है, 5% चीनी है, खौलाने पर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब 8 लीटर घोल था तो उसमें 5% चीनी थी, ठीक है। तो अब सिंपल से देखो, जब भी हम वेपराइजेशन करेंगे तो पानी ही उड़ेगा, चीनी तो रह जाएगा ना, चीनी तो उड़ेगा नहीं, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, बस इसमें क्या करना है, चीनी उतनी रहेगी। इस क्वेश्चन में समझना ये है कि जब हम क्या करेंगे कि 8 लीटर का घोल बनाया हमने चीनी का, ठीक है, अब उसमें जो चीनी की मात्रा है वो 5% है, उसकी वैल्यू क्या है, 5% है। तो तुमसे पूछेगा कि अब उसको हमने वाष्पीकृत कर दिया, 2 लीटर पानी हमने उड़ा दिया उसका, ठीक है, अब बताओ कि उसमें पर चीनी की परसेंटेज क्या है। तो वैल्यू तो उसकी उतनी रहेगी जो अमाउंट था चीनी का, चाहे मान लो सपोज 2 किलो रहा होगा, तो 2 किलो 8 लीटर के घोल में भी 2 ही किलो चीनी थी, और जब 2 लीटर उड़ जाएगा, 6 लीटर बचेगा, तो भी उसमें 2 ही किलो चीनी रह जाएगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझ यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए वैल्यू 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 मैटर कर ही नहीं रहा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वैल्यू तो मैटर ही नहीं कर रहा कि कितने परसेंट वैल्यू, कितने कितने के मतलब अमाउंट में चीनी थी उसमें। हमसे पूछ रहा है क्या कि बचे हुए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो पहला काम का क्या करना है कि पहले हम निकालेंगे 8 लीटर में जो 5%, 8 लीटर का 5% निकाल लेंगे, 5%, तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 5/100, ये 1/20 हो जाएगा, और ये 4 से 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 2/5 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगा। तो मतलब क्या, उसमें जो चीनी का जो वैल्यू थी, चीनी की वैल्यू थी वो पहले कितनी थी, 5% की वैल्यू कितनी थी, 0.4%, 0.4%, ठीक है, ये 8 लीटर में था, ये कितने था, 0.4, जो चीनी की वैल्यू थी 0.4 लीटर, उसमें 8 लीटर में 0.4 लीटर चीनी था, 8 लीटर में 0.4 लीटर चीनी था, बाकी 7.6%, 7.6 लीटर पानी था, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तुमसे पूछ रहा है कि अब बचे हुए 6 लीटर में, बचे हुए 6 लीटर में, ठीक है, बचे हुए 6 लीटर में चीनी का मात्रा बताइए। तो चीनी उतनी ही है, 0.4 लीटर, मैंने पहले बताया था वैल्यू चेंज नहीं होगी, चीनी की वैल्यू उतनी ही है 0.4 लीटर जो 8 लीटर में थी, पानी ख़त्म हो गया, पानी 2 लीटर कम हो गया, तो हम क्या करेंगे। तो इससे हमसे पूछ रहा है कि ये अब कितना रह गया है, तो 6, तो 0.4/6 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस 6 लीटर पानी में जो चीनी की मात्रा है वो कितनी है परसेंटेज में, ठीक है। तो अगर 0.4 है तो इससे हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 हो जाएगा, 40/6 और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 4/4 ये हो जाएगा 4, 40/6, 40/6 हो जाएगा, 40/6 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, 6 से करेंगे, 6 6 इज़ अ 6, फिर बच गया 4, फिर 6, फिर 6, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी, 6.666% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से समझ लेते हैं, पहले देखो 8 लीटर चीनी का घोल था, सुनो ध्यान से, बस इतना कुछ करना, 8 लीटर चीनी का घोल था, ठीक, उसमें जो चीनी की मात्रा थी 5% थी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अब हम पानी को, उस घोल को गर्म करके और उसका 2 लीटर पानी उड़ा दिए, तो पहले